नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। और आज होली पर कई जगह लड़ाई की घटनाएं हुई घटित। तो बिलारी और हैंसपुर के बीच शमशान घाट के पास महिला के कानों से खींचा कुंडल। महिला अपने घर मोहन तखतपुर से अपने गांव समसपुर जा रही थी, तभी पीछे से आए दो बाइक सवारों ने महिला के कानों के कुंडल खींचकर बिलारी करवला की साइड में फरार हो। महिला ने थाने पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज देखी और उचित कार्रवाई करने की बात कही। आपका कौन से गांव की हो आप? समसपुर की। यहाँ थाने में आप आई हो क्या? किस कारण थाने में आई हो आप? कुंडल जो खींचा है तब। क्या मामला? पूरी बात बताइए आप। हम तो जा रहे थे। कहाँ? अपने घर पे। कहाँ से रहे थे आप? मोहन तखतपुर से आ रहे थे। अच्छा। और फिर ससुराल को जा रही थी। फिर तो रास्ता में शमशान से पुलिया पर खींचे, शमशान सैसुरबारी पुलिया पर शमशान से लेकर के बराबर से मोटरसाइकिल आकर हमारी ऐसी चल रही, ज्यादा तेज न चल रही, उन्होंने मद्दी करके आकर एकदम खींच लिया, खींच के एकदम तेज कर लिया, उनका पीछा करा हमने तो वे हाथ नहीं आए हमारे। एक कुंडल छीना आपका एक? हाँ। फिर कहाँ आपने, किधर गए? किधर की साइड में गए हैं? फिर बाएं हाथ का, बाएं कान का। तो आज बिलारी में अमरपुर काशी में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष से होली मिलकर आ रहे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट, किया जानलेवा हमला। कार्यकर्ताओं ने भागकर बचाई अपनी जान। रास्ते में मौजूदा जो प्रधान है विजयपाल और भानु है डीपी है, इन लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल रोकी और मुझ पर हमला कर दिया। मैं अपनी जान छुड़ाकर भागा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भानु के हाथ में एक तमंचा है और फायर भी कर सकता है। तो मैंने पीछे मुड़ के उसके बाद नहीं देखा, मैं भागता चला गया। मैंने नहीं देखा कि कितने मेरे पीछे भाग रहे थे। लगभग मेरे अंदाज में 15-16 लड़के मेरे पीछे भाग रहे थे। मुझे तो जान से मारने की ही प्लानिंग थी आज। किस गाँव का मामला है ये? अमरपुर काशी गाँव का मामला है। अमर बड़े भाई तेजवान सिंह राघव जो भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष है, उनके यहाँ से होली मिलकर आ रहे थे। जी जी। मेरे साथ अशोक जी थे, बोले आओ अपने घर चलते हैं। मेरे घर आ रहे थे, रास्ते में मेरे मोहल्ले में जैसे ही आए मौजूदा प्रधान विजयपाल यादव, उनके गेट के सामने लोग डीजे बजा रहे थे। वहाँ से हम निकल रहे थे, हमारी मोटरसाइकिल से चाबी निकाल ली और मारपीट शुरू कर दी। अशोक यादव के पीछे 10-15 लोग पड़ गए थे, जिसमें भानु यादव बहुत गंदी गालियाँ दे रहे थे। और देखेंगे चौकी के बराबर में आके मुझे गाली दी है, माँ बहन की गाली दे रहे थे। लेकिन एक बात और है कि ये मोहम्मद फहीम विधायक है, इसके ऊपर पूछते हैं कि क्योंकि उन्होंने खुल के लड़ाया है इसे। अच्छा। ये समाजवादी के कट्टर हैं और गंदी गालियां हमारे संगठन को, RSS को, किसान संघ, माँ का, बहन का, क्या क्या बताऊँ मैं। मुझे तो बहुत, मुझे अपने आप पे बस कुछ कह नहीं सकता। मेरे साथ कोई भी घटना कर सकते हैं, अशोक को भी कुछ जान से मार सकते हैं, मुझे भी कुछ कर सकते हैं। इधर आज बिलारी के रेलवे स्टेशन राजागढ़ सैंसपुर के रेलवे क्रॉसिंग पर लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से गजेंद्र नामक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ढकियानरु गांव का बताया जाता है, जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष बताई जाती है। परिवार में सूचना मिलते ही कोहराम मच गया, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इधर आज मेलक नगलिया जट के दिनेश कुमार ने लगाया मारपीट का आरोप। बताया कि वह सुबह होली मिलने दूसरे घर के जा रहा था, तभी दिनेश कुमार, अमित कुमार, सतीश आदि लोगों ने मिलकर की मारपीट। सतीश कौन सा गांव है? मेलक नगलिया जट। क्या मामला, थाने में कैसे हुआ? थाने में साथ ये बात आ गई कि दारू पीकर मेरे घर पे बदतमीजी कर रहा था बच्चों के सामने। हमने कहा भाई तू अपने घर जा, वो नहीं मान लिया और मुझ पर भिड़ गया। इतनी बात को उसके पूरे परिवार का लाठी डंडे लेकर मेरे घर पे चढ़ गए, तमाम ईंटें बरसाई मेरे घर पे। मैं साथ मिला। क्या नाम था उसका? उसका नाम अनित, बाप का नाम रमेश, बुद्ध दिनेश। आपने कोई सूचना दर्ज कराई थाने में? 3 घंटे से घर में ही बंद था। मैंने 112 नंबर फोन करा जब मैं घर से जब निकला हूँ। 112 डायल मौके पर आई आपके फोन पर? हाँ आई थी साहब, जब घर से निकल के आया हूँ मैं, बंद था घर में बच्चों को लेकर। थाने में सूचना दर्ज कराई आपने? अब आया हूँ साहब कराने। कौन से गांव से आए? मिलन अली जट। आप थाने आए हो, क्या मैटर है आपका? ये पांचों भैया थे, मैं जंगल से आ रहा था लैटरिन करके, इन पांचों भैया ने मुझे मारा। क्या नाम है उनका पांचों का? सतीश, जीवन, रंजीत, भूरा, मंजीत, चारों भैया थे ये। ये चोट कैसे लगी आपकी? यही चोट, उन्होंने बेल्ट मारी थी मेरे, उन्होंने मारा था मुझे फेंक के। मम्मी आई बचाने के लिए, मम्मी के भी हमारे हाथ पकड़े, कपड़े फाड़े। झगड़ा हुआ किस बात पर? झगड़े इस बात पे हुआ था, मैं मतलब होरे मिलने के लिए हम मिले थे आपस में, तो ड्रिंक कर हुए थे आपस में, बेल्टबाजी लड़ाई कर ली। चारों भैया ये ड्रिंक कर हुए थे, चारों भैया आपस में इन्होंने लड़ाई कर ली और हम थे अकेले अपने परिवार से।
हम लड़ाई किसी से करते नहीं है। थाने आए हो, शिकायत दर्ज कराई आपने? शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। अब तो इधर आज बलारी थाना अंतर्गत रुस्तमपुर खास की महिला सुभद्रा पत्नी करण सिंह ने लगाया रामनिवास पुत्र डालचंद पर, परिवार को आए दिन परेशान करने और महिला को गंदी गंदी गाली और मारपीट करने का आरोप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को सौंपा आज प्रार्थना पत्र। कौन से गांव से आए हो? रुस्तमपुर से। क्या मामला आपका? वो रोज दारू पीता है, रोज हमें मारता है खींच खींच के। क्या नाम है उसका? रामनिवास। झगड़ा किस बात पे हुआ? किसी कोई भी बात नहीं है सर, हम यहाँ से जा रहे हैं घर पे, अपने ते दारू पीता और हमें मारता है, वो और भी है गाँव में, और किसी को भी नहीं मारता, हमें मारे है। घर में से खींच के लेके आए और मेरे साथ में बहुत बदतमीजी करी है, करने के राजी कर रहा है जबरदस्ती। क्या पहले भी उसने ऐसी बदतमीजी की आपके साथ? जी। कंप्लेंट लिखवाई आपने थाने में पहले? देखो है लिखी भाई है। जी दही ना गई पहले दी थी कभी पहले? नहीं नहीं लिखवा कर ले रही हूँ। दीपू। कौन से गांव से आए हो? रुस्तमपुर। मामला क्या तुम्हारा? वो गैसी घर पे गया मेरे भाई का, रुकी का तेरा भाई है रामनिवास। क्या नाम है? रामनिवास। किस बात का झगड़ा हुआ? वो सर दारू की काम पे ऐसी अपने आप ही अटैक कर देता हूँ। मारपीट किसके साथ किया? वो मेरे साथ और मेरी इस बहन के साथ जो खड़ी है सर। ऐसे ही कई मामले खबरिया बीरमपुर गांव के आए जिसमें दो पक्षों में कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई और पीड़ित पक्ष के चोटें भी आई। पप्पू। कौन से गांव से आए हो? खबरी अब्बल। थाने में किस मैटर में आए हो आप? लड़ाई झगड़े में, पुलिस मैटर में। किससे हुई लड़ाई? करण चुट्टन और शेर सिंह। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ आप? होली के पीछे मैं कुर्सी डालू को बैठा, खाद डाले बैठा हुआ और रस्ते में आते घनी पत्थर बरसाने चालू कर दिए। आपका क्या नाम है? सुनीता। कौन से गांव से आए हो? बीरमपुर से। क्या मामला, थाने में कैसे आए हो आप? झगड़ा हो गया। किससे हुआ? हर किशोर से। आपके साथ मारपीट करी? हाँ। किस बात को लेकर हुआ ऐसा? हमारे यहाँ मुरादाबाद के आए थे, मुरादाबाद के दोस्त हमारे देवर के। नहीं तो घर पर हमारे घर वाले और हमारे ससुर। क्या करते हैं वो? ऐसी खेती किसानी कर रहे हैं। झगड़ा जो हुआ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा होरी मिलने के पीछे। क्या होरी मिल रहे थे हमारे देवर के साथ, हमारे साथ, फिर हमने उन्हें से मना करा, मैंने हमारे घर कोई भी नहीं है तुम चले जाओ, तो फिर हमारे साथ हमारे देवर को मारने लगे, हम बचाने लगे, फिर हमें भी पीटा उन्होंने। क्या नाम है दूसरी पार्टी का? हरकिशोर। और आपके देवर का क्या नाम है? अर्जुन। ये लड़की जो आपके साथ में कौन है? ये हमारी ननद है। तो इनको भी मारा है? हाँ इनको ही तो ज़्यादा मारा है। ये पेट पकड़ी हुई, पेट में लात मारी, यहाँ पर लात मारी है। आपके साथ और कौन आया थाने में? हमारे घर वाले आए हैं, ससुर आए हैं।